पर्सनली कहते हैं कि अगर इंसान कायदे कानून से चले तो परेशानियों से दूर रह सकता है, लेकिन हम लोग हैं ही ऐसे, हम ना ज्यादा देर तक कायदे में नहीं रह सकते, थोड़ा इजी गोइंग लोग हैं। हमारी इंडियन शादियां देख लो आप, जब होती हैं पहले पहले जब बारात निकलती है तो सारे कायदे में चल रहे होते हैं, रिश्तेदार भी थोड़ा बज रहा है ना कुछ तो अपने, थोड़ा थोड़ा डांस भी कर रहे, भाभियां भी घूंघट उठा के सामने सास ससुर जा रहे हैं, लेकिन थोड़े दो पैग मदिरा पान होता ना फिर ये खानदान भूल जाते हैं, फिर आते हैं अपनी असलियत पे। कई बार तो क्या होता है आदमी लोग जो होते हैं ना अपनी बीवी को भी एक हाथ लगवा देते हैं, अरे तेरे देवर की आई लगा ले, उनके अंदर का फिर नागिन बाहर आती है वहां पे जो फैलती है ना फिर वो, और फिर ये जो पूरे कायदे में चल रहे होते हैं पहले पहले टाई लगा के आए ना, जिस आदमी ने एक घंटा लगा के टाई बांधी होती ना उसी टाई को मुंह में डाल के बीन बजा रहा होता है, फिर तो बीन बजाते बजाते इतनी कस लेता टाई कभी कभी वो फिर खुलती नहीं, काटनी पड़ती सीधी। शुरू शुरू में ट्यूबलाइट वाले भी जा रहे होते हैं ना वो भी कायदे से चल रहे होते हैं, लेकिन उसको पता बारात भी फैल गई है पैसे लुटाने शुरू हो गए, वो लाइटें नीचे रख के पैसे लूट रहा होता है। एक जो भोपू वाला होता ना जो आप देखा होगा बड़ा बड़ा बाजा वो बड़ा, वो भी एक हाथ से बजा कर दूसरे हाथ से वो भी पैसे लूट रहा होता है, कभी कभी तो सिक्का उसके भोपू में चला जाता ना तो उसका भोपू बंद हो जाता। अच्छा जेंट्स वॉलेट जो होता है उसमें बड़ी कम जगह होती है, आपको पता होगा आप यूज करती हैं, आई मीन होता है ना कि उसको बड़े कायदे से रखनी पड़ती चीजें, छोटे छोटे नोट फिर बड़े बड़े नोट फिर थोड़े से बैंक वाले कार्ड, बस दैट्स इट, ऐसे पर्स होता है वो। लेकिन कई लोग तो उसमें एटीएम की रसीदें, हाँ। सुपरमार्केट का बिल, फिल्म की टिकटें, वो धीरे धीरे जो पर्स ऐसा होता है ना वो ऐसा बर्गर जैसा बन जाता है। अच्छा। अब देखना जो जब पेंट में डालते हैं ना जो आदमी अगर बैठे होंगे तो एक साइड से उठ जाते हैं, बगल वाले को हमेशा शक ही रहता है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। मेरे को तो किसी ने डॉक्टर ने बताया, कहते हैं इसे जेब में रखना नहीं चाहिए, स्लिप डिस्क जब होती है उसके बहुत सारे कारणों में से एक ये भी है, तो ये रखना नहीं वैसे जेब में चाहिए, पर आप ये जो लोग इतना मोटा वाला वॉलेट रखते हैं ना इनकी पैंट अगर जीन टंगी हुई ना खूंटे पे भी वहां पे भी देखना एक बर्गर अलग से बाहर आया होता है इनका। अच्छा गाड़ी चला रहे हो उसके भी कायदे होते हैं, लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम इतना कम है और पेशेंस नहीं है और ट्रैफिक इतना स्लो है तो स्पीड ब्रेकर जो बने होते हैं ना उसका बम्प देख के ये उस गाड़ी नहीं स्लो करते, अपना बम ऊपर उठा लेते निकल जाते हैं, पेशेंस नहीं लोगों में। जिम में आप देखना ट्रेनर लोग बड़े कायदे से काम करते हैं, पहले तो थोड़ा सा वार्म अप किया, फिर थोड़ा कार्डियो किया या स्ट्रेचिंग की, उसके बाद वेट ट्रेनिंग, ये सारे कायदे में होते काम तब तक जब तक सारे लड़के जिम कर रहे हैं, जैसे लड़की आती ना ये सारा कुछ छोड़ के हैवी हैवी वेट उठाना शुरू कर देंगे। ये वो लड़के होते हैं जो घर में माँ के बोलने में पानी की बाल्टी भी नहीं उठाते, लड़की को देख के इतना बड़ा वेट उठा लेते हैं, वही लड़की जब जिम से बाहर निकलती किसी और लड़के से चली जाती ना फिर इनको पता चलता आज हैवी स्क्वाट्स मार लिए, फिर ये 7 दिन जिम नहीं आते। अब सड़क के किनारे जो फल बेचने वाले होते हैं वो भी बड़े कायदे से रखते हैं, जो मोटे ताजे फल होते हैं ना जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये पाइनएप्पल हो गया, वो सब नीचे रहते हैं, उसके ऊपर फिर पपीता वगैरह आ जाते हैं, उसके ऊपर सेब आते हैं, फिर लीची और वो स्ट्रॉबेरी सोफिस्टिकेटेड फल, और जो एनआरआई फल होते हैं ये जो ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट या एवोकाडो उसको तो रखते ही डिब्बे में ताकि उसको देख के कोई मोल भाव कर ही ना सके, लेना तो लो बाहर से आया इतने का मिलेगा, और सिंघाड़ा बेचारा उस पर आप कितना भी पानी मार लो उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसका मुंह ही ऐसा होता है टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी फैला होता है ना, तो सिंघाड़ा रखा इसलिए होता है कोई भैंस वगैरह आ जाए ना उसको मार, हट 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 उसको मारने के लिए रखा होता है। अच्छा ड्रैगन फ्रूट तो मुझे लगता है कोई खाता भी नहीं है शायद, मैंने किसी को नहीं खाते देखा, 2 साल से मेरे यहाँ पड़ा हुआ है किसी ने काट के नहीं खिलाया, हालांकि एक दो बार गायब हुआ है प्रोडक्शन वाले ने बताया, कोई बात इसको खा भी ड्रैगन ही सकता है इसको, आई मीन। अच्छा इंसान कायदे से चले ना चले कंप्यूटर जो होता है ना ये बड़े कायदे से चलता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बड़ा इंटेलिजेंट होता है ना, आप जैसे आप इंटरनेट पे कुछ भी यूज करते हो ना आपको वैसे ही चीजें रिकमेंड करने लगता है इंटरनेट। आप देखना कभी जैसे दिनेश ने एक बार बड़ा हाउ टू इसने हाउ टू लिखा, आगे आ गया लर्न गिटार, मतलब अर्चना जी ने हाउ टू भरा 3-4 ऑप्शन आ गई, हाउ टू वैनिश ए मिनिस्टर विदाउट एनी कोर्ट केस, हाउ टू ईट अनलिमिटेड थाली इन लिमिटेड टाइम। अच्छा पहले घरों में एक बुजुर्ग जरूर होता था जो कायदे कानून समझाता था, रस्मों रिवाज रीति रिवाज, भाई देखो जब पूजा होती है तो पति जो होता है वो हमेशा राइट में खड़ा रहता है, पत्नी जो होती है लेफ्ट में खड़ी जाती है, यही विधि का विधान है। आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है तो इंटरनेट ने बुजुर्गों का काम ले लिया, बुजुर्ग खुद जाके फेसबुक पे किसी की फोटो लाइक कर रहे होते हैं, अच्छा
शकुंतला रेवाड़ी में है. फिर नोरा फतेही को देख रहे थे, जमाना तो अब अच्छा है, हम तो अच्छा महंगे वाले सलून जाओ आप, फाइव स्टार होटलों में. पहले तो एक रिसेप्शनिस्ट आती है, हाउ सर प्लीज वेलकम सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. बंदा आया होता है बाल कटवाने, मन ही मन ना बॉडी मसाज का मन भी बना लेता है. फिर उसके बाद वेटिंग के लिए मसाज चेयर पे बिठा देते हैं, वहां पे वैसे ही थोड़ी मसाज चल रही, पीछे वो चलता ना, हाँ, वो जो गोला सा आता है पीछे, आदमी ना अपने मजे ले रहा आता है इसके. आदमी को खुशी तो होती है, फैसिलिटी देख के डर भी लगता है कि बाल तो कटेंगे जेब भी कटने वाली है. फिर एक ना लाल नीले बालों वाला आदमी आता है, हाँ. उसको देख के लगता है किसी का घर पेंट करके आया है. वो आएगा आपको कुर्सी पे बिठाएगा, आपके ऊपर फ्रेश कपड़ा लपेटेगा, अपने ऊपर भी कैप पहनेगा, आजकल तो मास्क भी लगाते हैं. फिर आपकी कटिंग होती है, बाल चाहे इतने से काटें लेकिन आदमी बड़ा अच्छा फील करता है. हाँ. लेकिन आप नॉर्मल सलून देख लो जो हमारे गली मोहल्ले में होते हैं, वहां पे कोई कायदा नहीं होता, आठ लोग जो वेट कर रहे हैं, हाँ. आके सलून वाला उसी के मुंह पे कपड़ा झाड़ देता करके. कटिंग एक की होती है, आठ लोगों को मुंह धोना पड़ता है. बीवी अलग से शक कर रही होती, इनके बाल तो काले हैं, बुरे वाले किसके हैं. रेस्टोरेंट में भी खाना खाने के कायदे कानून होते हैं, पहले स्टार्टर ऑर्डर करो, फिर मेन कोर्स, फिर डिजर्ट्स आते हैं, फिर अपना फिंगर बॉल आता है. जैसे दिनेश है ना, ये मेरे साथ गया रेस्टोरेंट, इसने सबसे पहले फिंगर बॉल ऑर्डर कर दिया. मैं कहता ये क्यों, कहता ये पी के ना भूख खुल जाती है. तो जब बिल कोई और देता है ना तो ये फिंगर बॉल पहले पीता है. अपना पांडे, हाँ. इसको लगा शायद फिंगर बॉल के भी पैसे होते हैं, वो लेके आया, कहता नहीं मैंने चाट लिया है, इसको ले जाओ. वो बोलता नहीं सर ये फ्री है, कहता अच्छा फिर एक शुगर लेके आना, मिक्स करके ये भी पी गया. बुफे में खाना खाओ तो उसके बड़े कायदे कानून होते हैं. जैसे आप कोई पढ़ा लिखा आदमी है, बड़ा आदमी है, तो वो देखना आप प्लेट में थोड़ा थोड़ा ही डालेगा. प्लेट गंदी भी नहीं होती, पता ही नहीं चलता किसने कुछ खाया है, भले दो चार बार उठा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा उठाएंगे. हम जैसे लोगों को यही डर रहता है खाना खत्म ना हो जाए, तो एक ही बार में पूरा खाना भर लेते हैं, है ना. कभी कभी तो ऐसा होता है पनीर की तरी जाके आलू को भी मिक्स हो रही होती है, और दही बड़े में डूब के ना नान गीले कपड़े जैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, एक हाथ से नहीं टूटता फिर वो, उसको बड़ा वो बैलेंस करना पड़ता है. इसलिए आजकल ना अलग अलग खांचों वाली थालियां आ गई हैं, कि सब्जी के लिए अलग, खीर के लिए अलग होती ना, अलग अलग बने होते हैं. लेकिन लोग क्या है, वो थाली की गहराई से नहीं भरते, वो अपने पेट की गहराई के हिसाब से भर लेते हैं. तो एक टाइम पे इतना भर लेते हैं कि वो जो बीच वाली दीवारें वो गायब हो जाती हैं. इन्फिनिटी पूल नहीं होता जो जो फिर उसमें क्या होता है, चावलों में रायता मिक्स हो रहा है. फिर कभी कभी तो उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है फिर प्लेट को, क्योंकि अगर यहाँ से किया तो दाल गिरेगी, यहाँ से खीर गिरेगी, ऊपर से सारी ऊपर तक आ चुकी है. कभी कभी तो जो सब्जी वाला टमाटर होता है ना, वो ऐसे कूद के खीर में भी गिर जाता है, होता है ऐसा. अच्छा विदेशों में आप चले जाओ कभी घूमने फिरने, कहीं बसों में ना अगर लिखा होगा कि ओनली फॉर लेडीज, तो लेडीज ही बैठेंगी. मजा आला कोई आदमी बैठ जाए, हमारे यहाँ नहीं पढ़ते किसके लिए लिखा हो, सीधा जाके अगर सीट खाली मोटा सा आदमी जाके बैठ जाएगा. ऊपर से उनको कहो ना कि भाई साहब ये लेडीज सीट, मैंने भी पेंट के नीचे सलवार ही पहनी हुई, कोई बात नहीं आप ढीठ हो जाते, कहीं ढीठ हो जाता भाई साहब उठिए ये लेडीज के लिए सीट है, जब लेडीज आएगी तो उठ जाएंगे क्या हो गया. अच्छा जो खड़े होते हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो फिर ढूंढ के लाते हैं माता जी को, माता जी आप आइए आप बैठिए. माता भी जब मना करती बेचारी, रहने दे बेटा आप बैठो बैठो, माता जी जबरदस्ती बिठा देते हैं. फिर माता भी चिड़को बोलते हैं अपनी माँ को बिठा ले, मेरा स्टेशन तो पीछे रह गया. अच्छा फॉरेन में हर चीज का एक कायदा होता है, मैंने देखा अपने दोस्तों के घर एक दो बार कनाडा में मेड आती ना, सबसे पहले उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हाय लीजा हाउ आर यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, थैंक यू, उसके बाद अपना काम शुरू करती है. हमारे यहाँ मेड को कॉम्प्लीमेंट देके देख लो आप, और भाई शीला बड़ी खूबसूरत लग रही हो. तो बीवी का ना लेफ्ट वाला आईब्रो राइट में मिक्स हो जाता है दोनों आपस में. बीवियां जो होती ना मिक्सी की आवाज में भी सुन लेती कि पति ने किसी और को कॉम्प्लीमेंट दिया, फिर वो बीच में छोड़ के आ जाती मसाला, शीला बड़ी सुंदर लग रही है. अच्छा बीवी को शक हो ना हो शीला करवा भी देती है, हाँ. थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिलने फैल जाती है वो, फिर वो धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज बदल जाती है, दीदी बच्चों का टिफिन आप देख लो, इनका मैं लगा दूंगी. फॉरेन में लोग जाते रिश्तेदार के घर, बुके लेके जाएंगे साथ में वाइन बॉटल, हाँ यार ये देख के सामने वाला भी खुश होता है कि अभी खुद की वाइन लाया पी के खुद ही निकल जाएगा. हमारे यहाँ दो सूटकेस लेके जाते ना जब, तो मेजबान आदमी भी समझ जाता है कि ये पांच दिन का बोल के बीस दिन रुकेगा. और बुके बुके तो छोड़ो, साथ में जो बच्चे जाते हैं वो उनके फूल खा जाते हैं जो घर में लगे होते हैं, उनके फूल खा के उन्हीं के सोफे पे थूक दे, मीठा नहीं है हमारे. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.